जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मंडे के दिन के, यानी कि दोस्तों 12 तारीख के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं स्टॉक ऑप्शंस के। कुछ परफेक्ट लेवल्स, चार शेयर अगेन दोस्तों लेकर आए हूँ इंटरडे के अंदर, जो आपको बढ़िया पैसा बना कर देते हैं। आप सबकी डिमांडिंग वीडियो है, तो दोस्तों लाइक में भैया कंजूसी मत करना दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है रिसर्च करने में। तो फटाफट से चारों स्टॉक के नाम नोट करो। ऊपर के दो स्टॉक होंगे दोस्तों कॉल साइड वाले, जिनमें आपको सिर्फ ऊपर के मोमेंटम ढूंढने, बाकी के दो होंगे नीचे वाले, तो उनमें आपको डाउन ट्रेंड वाले सिग्नल ही फॉलो करने हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सबके रिमाइंडिंग स्टॉक ऑप्शन वीडियो आ चुके, लाइक सब्सक्राइब कर लेना जो लोग चैनल पर पहली बार आए। दोस्तों सबसे पहला शेयर है हमारा टाटा कम्युनिकेशन, ठीक है दोस्तों। इसका क्या लेवल है वो ध्यान से सुनना दोस्तों। इसका एक लेवल है हमारा 1460 का, ठीक है। अगर मंडे के दिन दोस्तों ये 1460 के ऊपर ही ओपन हो जाता है, मान के चलिए यही हो जाता है 1480 के आसपास है, जहाँ भी 1460 के ऊपर ये मतलब 5-10 मिनट सस्टेन होना चाहिए, मतलब ठीक है ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तब आप दोस्तों इसमें कॉल साइड जा सकते हो। 1500 CE कॉल ऐड कर सकते हो, टारगेट हमारे आराम से 1510-1520 तक के रहने वाले हैं, ठीक है। इंटरडे में दोस्तों अगर ये 5-10 पॉइंट भी ऊपर जाएगा तो आपका स्टॉक ऑप्शन 5-4% आराम से रिटर्न दे देगा। स्टॉक ऑप्शन आप सभी जानते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस दोस्तों कहाँ कहाँ रहना चाहिए आपका, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 1442 का, नोट कर लेना भैया। इस लेवल के आसपास हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, उसके बाद बाय करना और ज़्यादा मज़ा आएगा। समझ रहोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों पहला लेवल हमारा डन टाटा कम्युनिकेशन का। दूसरा स्टॉक है हमारा डेल्टा कॉर्प। तो दोस्तों डेल्टा कॉर्प में आप देखोगे ना पुराने को चार्ट, तो भैया एक इसकी ज़बरदस्त रेंज है दोस्तों 250 के आसपास, ये ऑल टाइम इसके हाई के आसपास चल रहा है, काफ़ी टाइम पुराना, ठीक है। तो दोस्तों जब ये स्टॉक ना हमारा 250.25 के ऊपर निकलेगा, यानी कि इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करेगा दोस्तों, बहुत बड़ी मूवमेंट मिलेगी। पहला टारगेट हमारा होगा 254 का, दूसरा 256 का। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो हमारा ऑप्शन कम से कम 10-20% आराम से भाग जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेवल नोट कर लो, और उसके बाद जब यहाँ पर आ जाएगा हरी कैंडल बना देगा आपका स्टॉप लॉस दोस्तों, फिर रहना चाहिए यहीं पर ही, जो कि होगा लगभग हमारा 246 के आसपास का, ठीक है। जब यहाँ पर सस्टेन हो जाएगा आप कॉल लोगे इसके ऊपर। फिर इसके बाद दोस्तों अगला टारगेट हम लोगों को जो जाएंगे, अगर 256 आ गया ऊपर की तरफ, तो 263 के लिए बढ़िया पैसा बनाकर दे सकता है डेल्टा कॉर्प कॉल साइड में। लेवल्स नोट कर लो, इन्हें चढ़ा लो अपने रडार पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो मज़ा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार। अब दोस्तों दो स्टॉक लेकर आया हूँ, ये लेकर आया हूँ मैं डाउन ट्रेंड वाले, ठीक है। अब दोस्तों SRF का चार्ट देखो, काफ़ी टाइम से भैया नीचे की तरफ घुस रहा है, आज के दिन में भी डाउन ट्रेंड पकड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट कहाँ पर करना है दोस्तों, रेंज सुन लो इसकी, 1460 से लेकर 1444 के बीच में। अगर इतने 2460 से लेकर 2444 के बीच में अगर ये मिलता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा या 10-15 पॉइंट ऊपर खुल जाए, आपको दोस्तों स्टॉप लॉस रखना है इसमें स्ट्रिक्ट। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 2484 का, और दोस्तों पुट ले लेनी है, आपको पुट साइड जाना है। और दोस्तों पुट में आपका टारगेट क्या रहेगा, 2500 पुट लगा लेना। और दोस्तों टारगेट आप आराम से भैया इसमें रख सकते हो, यहाँ का पहले ही 2410 का टारगेट है, दूसरा टारगेट होगा हमारा इसमें 2380 के आसपास का। दो टारगेट है दोस्तों, स्टॉक ऑप्शन काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकता है, नज़र बना के रखना भैया। ये लेवल टूटा 2410 के नीचे, फिर आराम से आएगा यहाँ तक भी गिरेगा, और थोड़ा बहुत रिटेस्ट करेगा तो आपको शॉर्ट ही करना है, ठीक है, पुट ले लेनी है। बाकी स्टॉप लॉस दोस्तों क्या रहेगा बता चुका हूँ, ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ये वाला जोन थोड़ा बहुत यहाँ आएगा, यहाँ शॉर्ट करना, ये SL रहेगा, टारगेट यहाँ तक के मिलेंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर दोस्तों। अब डाउन ट्रेंड का अगला हमारा शिकार है, यानी कि अगला जो स्टॉक है वो है दीपक नाइट्रेट। दोस्तों दीपक नाइट्रेट के अंदर जो रेंज बननी है भाई, ये स्किल ऑफ रेसिस्टेंस का काम करने वाला है। तो दोस्तों अब अगर आपको ये 10-15 पॉइंट ऊपर, यानी कि 2040 से 50 तक जाता है मान के चलिए, तो आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट करना है, और आपका स्टॉप लॉस जो रहना चाहिए 2069 का रहना चाहिए। यानी कि अगर ये दोस्तों दीपक नाइट्रेट मंडे के दिन थोड़ा बहुत ऊपर जाए, यानी कि 2040 के आसपास या 2050 के आसपास, तो छोटा सा स्टॉप लॉस 19 पॉइंट का लगाकर आप पुट ले सकते हो। और दोस्तों पुट के बाद आपका नीचे टारगेट काफ़ी बड़ा मिलेगा, जैसी दोस्तों दोबारा से ये 2032 के लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करेगा। दोस्तों ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो पहले आप लोग, 2032 के नीचे 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करेगा, टारगेट हमारा आराम से आएगा 1995-1973 का। ऐसे में दोस्तों आपकी 2000 की पुट पर नज़र बना के रखें, PE पे, या 2100 PE पे,
ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दीपक नाइट्रेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है दोस्तों, अभी जितना भी चल रहा है चलने दो। 2032 के नीचे 5 मिनट की कैंडल एक रेड सस्टेन करता है, आपको पुट ले लेनी है 2032 के नीचे निकलता है तो ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मंडे के दिन ऊपर जाता है जाने दो, 2030 के नीचे जब 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करेगा तभी लेना, चलो ऊपर का भी अवॉइड कर दो ठीक है। 2032 के नीचे निकलेगा तब ले लेना है। इंट्राडे के मैंने लेवल्स दे दिए हैं और स्टॉप लॉस भी बता दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको स्टॉक ऑप्शन की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, जय हिंद।